हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपके कोड 501 से हैं। तो आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है उस पर और शिक्षा आयोग के कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो देखिएगा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, किस सन में। तो देखिए 2000 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। सन 2001 में लगभग कितने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल थे भारत में, आपको बताना है। तो 8 लाख थे। और भारत में सन 2002 में लगभग कितने छात्र छात्राएं प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे थे, 2002 में जब जनगणना की गई थी इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए 13 करोड़ जो छात्र छात्राएं हैं उस वक्त पढ़ रहे थे। प्राथमिक शिक्षा की समस्या क्या है, आपको एक समस्या बताना है। तो देखिए भाषा की, आर्थिक और प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव संबंधित, ये जो है सभी समस्याएं हैं आपके प्राथमिक शिक्षा की। यानी भाषा की भी प्रॉब्लम है, आर्थिक तो प्रॉब्लम होती है कि लोग घर से इतने मजबूत नहीं होते हैं, और जो गरीबी जिसे कहते हैं, अप्रशिक्षित सॉरी प्रशिक्षित अध्यापकों की अभाव संबंधी समस्या, यानी लोग ट्रेंड टीचर नहीं होते हैं, उसी के लिए आपको ट्रेंड किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा की गंभीर समस्या क्या है, ये आपको बताना है कि प्राथमिक शिक्षा की गंभीर समस्या क्या है। तो देखिए इनमें से जो दोनों है ये आंसर होगा, अपव्यय और अपरोधन जो होता है प्राथमिक शिक्षा की गंभीर समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि समन्वित शिक्षा आयाम को दिया, समन्वित शिक्षा आयाम किसने दिया, किसके काल में ये चीज का प्रचलन हुआ। समन्वित शिक्षा जो आया वो था कोठारी शिक्षा आयोग के काल में समन्वित शिक्षा आयाम आया। बेसिक शिक्षा प्रणाली को सर्वप्रथम लागू किया गया, बेसिक शिक्षा प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बेसिक शिक्षा प्रणाली लागू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, किस शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है अनिवार्य की गई। तो वो था आपका संविधान का अनुच्छेद 45। 45 जो अनुच्छेद है आपका शिक्षा के लिए ही बनाया गया है, यानी शिक्षा का जो अधिकार है वो आपके संविधान के 45वें अनुच्छेद में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बेसिक शिक्षा की संस्तुति की थी, बेसिक शिक्षा की संस्तुति किसने की थी। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संस्तुत करना और उसका प्रतिपादक करना। यानी बेसिक शिक्षा हो ये किसने लाया था, किस तो जाकिर हुसैन समित ने लाया था बेसिक शिक्षा की संस्तुत की थी। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि बेसिक शिक्षा हो, लेकिन उसका अगर प्रतिपादन किसने किया, यानी स्टार्टिंग किसने उसको की, संस्तुत करने यानी अपने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि बेसिक शिक्षा हो, लेकिन उसको स्टार्ट किसने किया था। अगर ये आए तो फिर वो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है ना। सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ है, सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ क्या है, प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक स्तर की सुविधाएं, ये सभी। तो आंसर जो है आपका डी, ये सभी सही हो जाएगा। अपव्यय की समस्या अधिक गंभीर होती है, किस क्लास में अपव्यय की समस्या अधिक गंभीर होती है। देखिए तो कक्षा 1 एवं 2 में अपव्यय की समस्या अधिक गंभीर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है, तो कौन सा अधिकार है। तो ये देखिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना, यानी शिक्षा ही मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। तो प्राथमिक शिक्षा जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगी। सार्वभौमिक शिक्षा का क्या महत्व है, देखिए सार्वभौमिक शिक्षा जो होती है ये प्राथमिक स्तर के लिए होती है, ठीक है। और सार्वभौमिक जो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क दी जाती है। तो 6 से 14 वर्ष के बालक जो होते हैं वो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व है, सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व क्या है, तो अनौपचारिक शिक्षा। फ्रेंड्स चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने संस्तुतियाँ दी थी, किस चीज़ की दी थी। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए भी, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयीन शिक्षा, ने सभी के लिए भारतीय शिक्षा आयोग ने संस्तुतियाँ दी थी कि इनमें जो है बदलाव होने चाहिए। भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार सौंपा था, किसे सौंपा था, ये आपको बताना है। तो देखिए जो प्राथमिक शिक्षा का भार होता है वो स्थानीय निकायों को सौंपा गया था, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षाएं होती हैं देखिए तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। जो जिला होता है, पंचायतें होती हैं उनके अंडर आती हैं, खंड ब्लॉक जो ये होते हैं। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने जो प्राथमिक शिक्षा का भार था वो स्थानीय निकायों को सौंपा था। भारतीय शिक्षा आयोग ने विशेष संस्तुत की थी किन चीज़ों के लिए। तो देखिए स्त्री शिक्षा के विकास हेतु, मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु, पिछड़ी जातियों की शिक्षा के प्रबंधन हेतु, तो इन सभी के लिए ही संस्तुत की थी। जो मुस्लिम शिक्षा है उसको भी प्रोत्साहन मिले, जो स्त्री शिक्षा है स्त्रियों को भी आगे शिक्षा में आगे आने का मौका मिले, जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था हो।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारतीय शिक्षा आयोग का मुख्य दोष रहा है, क्या मुख्य दोष था ये बताना है। देखिए तो जो ये सभी हैं ये इनके भारतीय शिक्षा आयोग के मुख्य दोष था, यानी शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप में वृद्धि हुई थी, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया था, और शिक्षा में मातृभाषा की उपेक्षा की गई थी, और बाद में जो आपके 1886 की नींद आई थी इसी में इन सब चीज़ों को स्वीकार किया गया था, और जो है शिक्षा पे विशेष है यानी शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया, त्रिभाषा सूत्र बना, मातृभाषा की उपेक्षा जो हुई थी उसको दूर करने के लिए त्रिभाषा सूत्र की रचना हुई, और फिर मातृभाषा को भी अपनाया गया। हंटर आयोग की संस्तुति थी, हंटर आयोग क्या चाहता था, उसने अपने प्रतिवेदन में क्या कहा था, संस्तुति का मतलब ये होता है, तो उन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम हो, देखिए मातृभाषा हो, अध्यापक प्रशिक्षण के नॉर्मल स्कूल में वृद्धि की जाए, यानी कि शिक्षकों को ट्रेंड किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, और उनके लिए स्कूल खोली जाए, सरकारी स्कूलों की स्थापना की जाए, ये तीन चीज़ें जो थी हंटर आयोग की संस्तुतियों में की थी, उन्होंने सुझाव दिया। संस्तुत का मतलब होता है सुझाव देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कब स्थापना की गई थी, तो 1989 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हालांकि क्वेश्चन का आपसे रिलेटेड नहीं है, फिर भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को आ और बा वर्ग में विभाजित करने का सुझाव दिया था, किसने दिया था, तो हंटर आयोग ने दिया था। ओके, किसने दिया था, हंटर आयोग ने दिया था। भारतीय आयोग के जो उस वक्त चेयरमैन थे सर विलियम हंटर थे। हंटर आयोग में कुल भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो देखिए 7 थी, और सेडलर आयोग के भारतीय सदस्य थे, कौन थे भारतीय सदस्य, अगर भारतीय सदस्यों की संख्या 7 थी तो उनमें से सेडलर आयोग के भारतीय सदस्य कौन थे, तो जो आपके आशुतोष मुखर्जी, शाहउद्दीन अहमद और रमेश्वरी मुयर, ये सभी थे। सेडलर आयोग ने संस्तुतियाँ दी थी, सेडलर आयोग ने क्या सुझाव दिया था, तो देखिए ये सभी सुझाव दिया था कि माध्यमिक शिक्षा हेतु भी दिया था, विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु भी दिया था, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु भी सुझाव दिए थे उन्होंने, तीनों विद्यालयों के लिए दिए थे, माध्यमिक, उच्चतर और विश्वविद्यालय के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेसिक शिक्षा को कहते हैं, बेसिक शिक्षा को क्या कहते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि नई तालीम, बुनियादी शिक्षा और गांधी की शिक्षा, ये तीनों जो है आपके बेसिक शिक्षा को कहते हैं, ठीक है ना, इनके नाम है। बेसिक शिक्षा का जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो 1921 में बेसिक शिक्षा का जन्म हुआ था, और जाकिर हुसैन समिति के सदस्य थे, जाकिर हुसैन समिति के सदस्य तो के जी शैदेन, विनोबा भावे और काका कालेलकर जो थे, ये सभी जाकिर हुसैन समिति के सदस्य थे, थोड़ा नाम याद रखिएगा। वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक थे, वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक कौन थे, तो देखिए महात्मा गांधी जो थे। बुनियादी बेसिक शिक्षा को वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है, एक बात ये भी थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत ही आपका बेसिक शिक्षा आता है, ठीक है। बेसिक शिक्षा की अवधि कितनी थी, तो देखिए 7 वर्ष थी बेसिक शिक्षा की अवधि, यानी बेसिक शिक्षा की अवधि कितनी थी, तो 7 वर्ष थी, और जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, यानी किस समिति में बेसिक शिक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो जाकिर हुसैन समिति में की गई थी, और 1938 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या था, देखिए तो वो मातृभाषा था, मातृभाषा के लिए और हस्तशिल्प कला के लिए ही बेसिक शिक्षा की स्टार्टिंग की गई थी। वर्धा शिक्षा योजना को इस नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो बेसिक शिक्षा योजना के नाम से। देखिए जस्ट अभी मैंने बताया था आपको कि वर्धा शिक्षा जो योजना है, बेसिक शिक्षा योजना ये, यानी तालीम, नई तालीम योजना, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, गांधी शिक्षा और वर्धा शिक्षा योजना, बहुत सारे इसके नाम हैं। अखिल भारतीय राष्ट्र शिक्षा सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुए, कितने प्रस्ताव पारित हुए थे, तो 5 प्रस्ताव पारित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षा की चुनौतियों का प्रारूप प्रकाशित किया गया था, कब किया गया था, तो अगस्त 1985 को किया गया था, एंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1986 जो था उसका गठन किसने किया था, देखिए तो राजीव गांधी के शासनकाल में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 था उसका गठन किया गया था।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्यकारी प्रारूप, क्योंकि देखिए 86 से लेकर आना पड़ रहा है कि बहुत सारी शिक्षा नीति 68 में आपकी आई, 48 में भी पहली थी, 68 फिर 86 फिर 92, इसलिए इसको आपको ईयर से याद रखना होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्यकारी प्रारूप प्रकाशित किया गया था, तो देखिए अगस्त 1986 को कार्य जो प्रारूप था वो प्रकाशित कर दिया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो था उसका मुख्य योगदान रहा है, मुख्य क्या योगदान था, देखिए मुक्त विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत था, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी मुक्त विद्यालय की, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी ये सभी जो थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही निकले थे और आए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया था, तो देखिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का जस्ट अभी हम देख के आ रहे हैं, ग्रामीण विद्यालय के यानी जिसे हम नवोदय विद्यालय कहते हैं, और उपाधि के व्यवसाय से अलगाव का यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, ग्रामीण विश्वविद्यालय और उपाधि के व्यवसाय के अलगाव का, इन सभी चीज़ों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सुझाव दिया था। ठीक है, आंसर होगा इन सभी का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की, किसने समीक्षा की थी, तो राममूर्ति समिति ने, यशपाल समिति ने, जनार्दन समिति ने, जो बनाई गई थी यानी 1990 में राममूर्ति समिति बनाई गई, फिर उसने अपनी रिपोर्ट दी, जनार्दन समिति 1992 में बनाई उसने भी अपनी रिपोर्ट दी, फिर यशपाल समिति 1993 में बनाई गई उसने भी अपनी रिपोर्ट दी, यानी ये जो तीन समिति इन सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी उसकी समीक्षा की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रतिवेदन तैयार किया था, तो 12 खंडों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रतिवेदन तैयार किया गया। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना बनाई गई थी किसके लिए, देखिए तो प्राथमिक स्तर है तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना बनाई गई थी यानी प्राथमिक स्तर पर जो विद्यालय है। राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा उसका मेन लक्ष्य क्या था, देखिए तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, शिक्षा का समान अवसर और भाषाओं का विकास, ये सभी जो है उसके लक्ष्य रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से लेकर कक्षा 5 को कब तक सर्व सुलभ बनाने की घोषणा की गई थी, तो 1990 तक यानी 1990 तक में राष्ट्रीय शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है उसको सर्व सुलभ यानी सब तक पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संगणक साक्षरता के यानी कंप्यूटर साक्षरता के कार्यक्रम विद्यालय स्तर से ही बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाने चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था, आपको बताना है यानी किस नीति के अंतर्गत सुझाव दिया गया था यानी कंप्यूटर साक्षरता के जो कार्यक्रम है, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी उसके अंतर्गत, इसीलिए मैं कह रही कि 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो इसका लेके आऊंगी, जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट मैं आपको दूंगी। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव दिया था, किस नीति ने दिया था गति निर्धारक स्कूलों का, तो वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनर्परीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श कौन सी समिति द्वारा कराया गया था, तो देखिए आचार्य राममूर समिति 1990 के द्वारा कराया गया था। एनपीई समीक्षा समिति का गठन हुआ था, तो वो आपका है 7 मई 1990 को। तो देखिए जो एनपीई है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और ये 7 मई 1990 को इसका गठन किया गया था। एनपीई समीक्षा समिति के अध्यक्ष थे कौन थे, तो डॉक्टर आचार्य राममूर्ति। और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े सभी स्तर के बालकों के लिए पाठ्यक्रम में होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो विज्ञान एवं गणित, इतिहास एवं साहित्य, लिखित एवं मौखिक, यानी ये सभी चीज़ें होनी चाहिए जो पिछड़े हुए स्तर के बालक हैं। राममूर्ति समिति का अध्यापक शिक्षा के बारे में क्या विचार था, तो सैद्धांतिक भी यानी विचार है कि वह सैद्धांतिक हो, मॉडल स्कूल नहीं हो और शिक्षण अभ्यास की कमी दर्शाती, ये जो थे ये उनके विचार थे, उन्होंने अपनी जो समिति गठित की गई थी राममूर्ति समिति में उन्होंने ये चीज दिया था। पूर्व बाल्यकाल देख रहे कि हम शिक्षा का अर्थ है, पूर्व बाल्यकाल देख रहे कि हम शिक्षा का क्या अर्थ है, तो देखिए प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों की सहायता, पीड़ित लोगों की सहायता और लड़कियों की अनवरत शिक्षा, ये है आपका पूर्व बाल्यकाल देख रहे एवं शिक्षा का अर्थ। तो एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है। एनपीई निम्नलिखित में से किसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है, तो देखिए किसी अन्य मुक्त विश्वविद्यालय को वह स्वीकार नहीं करती है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है तो किसी अन्य मुक्त विश्वविद्यालय को स्वीकार नहीं करती है।
संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1986 और जो फिर 1992 में फिर किया संशोधित किया गया था, क्योंकि 1986 में आपकी शिक्षा नीति भी जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको संशोधित करके 1992 में संशोधन किया गया, तो उसको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है जो 1992 में किया गया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी उसको 1992 में संशोधित कर दिया गया, इसलिए उसको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी, तो देखिए 2000 तक। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया, तो 1992 में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय शिक्षा मंत्री कौन थे, तो KL श्रीमाली थे। राष्ट्रीय शिक्षा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था किसमें, तो संसदीय समिति ने 1966 में किया था राष्ट्रीय शिक्षा का सर्वप्रथम उल्लेख। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। लाइक करना आपका ये बताता है कि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।